प्रदेश के जिला बुलंदशहर की सब्जी मंडियों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भले ही चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा हो, लेकिन आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। कोरोना काल में लोग जान की परवाह किए बगैर जहान बनाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। आज यूपी के बुलंदशहर स्थित सब्जी मंडी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसके गवाह खुद बुलंदशहर SSP बने। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सुबह 4 बजे बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ बुलंदशहर की नवीन सब्जी मंडी स्थल पहुंचे। वहां का नजारा देखा तो पुलिस अफसरों के होश फाकता हो गए। मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और ना ही लोगों ने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। SSP ने यह नजारा देखा तो उन्होंने तत्काल लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को चेताया कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद देश भर की सब्जी मंडियों में अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के मद्देनजर SSP आज तड़के सब्जी मंडी पहुंचे और लॉकडाउन के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया। वहीं मंडी बाजार में भी लॉकडाउन के उड़ते मखोल पर सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों पर कार्यवाही की। सिटी मजिस्ट्रेट ने बकायदा नगर पालिका की टीम को बुलाकर चालान करवाए और जुर्माना भी की कार्रवाई भी की। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के थाना BB नगर में आज रात एक दुखद घटना हुई है, जिसमें थाने पर तैनात उप निरीक्षक बिजेंद्र सिंह, जो थाने की ही तीसरी मंजिल पर बने हुए क्वार्टर में रह रहे थे, उनके कमरे में उसी थाने पर तैनात दूसरे सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह लगभग 12 बजे के आसपास रात में पहुंचे और उनकी सरकारी पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली सब इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह के पेट में लगी। अभियुक्त सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह तत्काल उनको थाने पर तैनात ड्यूटी पे उस समय जो मौजूद मुंशी थे उसकी मदद से अपनी निजी सेंट्रो कार से लेकर के 3 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर ले गए, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर थी, इलाज चल रहा था। इसी बीच सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को जब लगा कि स्थिति गंभीर है और इनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो थाने से पैसा लाने की बात कह करके वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मैं SP सिटी आज मौके पर पहुँचे। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी का प्रयास किया गया तो SLID और CDR से प्राप्त लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन हापुड़ और गाजियाबाद के बीच में रनिंग लोकेशन मिली। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से गाजियाबाद और हापुड़ कंट्रोल रूम से संपर्क कराया गया और मसूरी थाने की PRB की मदद से उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। CO सयाना को मौके पर भेज के उनको लाया जा रहा है और सही तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ तक प्राथमिक छानबीन और पूछताछ से जो जानकारी मिली है, उसमें अभियुक्त निरीक्षक ने बताया कि वो फ्रेश होने के लिए अपने साथी सब इंस्पेक्टर के कमरे पे गए थे। लोडेड पिस्टल थी, गलती से चल जाने की वजह से गोली पेट में लगी। फिलहाल हम गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन करा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.